DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. Hello students, welcome to you in your YouTube channel DAX Tutorials. Today I will tell you exercise 2.2 of 10th class in NCERT Mathematics. So your first question is that find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. In last videos मैंने आपको किसी different polynomials के जैसे linear polynomial, quadratic polynomial और cubic polynomial के उनके zeros और coefficient के बीच में relation बताया था, उसी पर based ये question है. तो पहले हम जो polynomial दिया हुआ है उस polynomial का पहले हम solve करके zeros find करेंगे और फिर इसके कोफिशियंट के साथ उन जीरोज का रिलेशन वेरीफाई करेंगे. तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. ये आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, आपको इसके पहले जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज फाइंड करने के बाद उनका फिर रिलेशन वेरीफाई करना है. जीरोज फाइंड करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, सबसे पहले हम इस जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है इसके हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसे. अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका माइनस करने पर 2 आए. तो पहले 8 के फैक्टर फाइंड करते हैं कौन-कौन से होते हैं. 8 इक्वल टू 1 इनटू 8 होता है और 2 इनटू 4 होता है, इसके अलावा कोई 8 का फैक्टर नहीं होता है. अब आपको इन दोनों फैक्टर्स पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस, क्योंकि यहां माइनस है तो डिफरेंस यहां कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए. अगर प्लस होता तो प्लस करके कितना आना चाहिए. तो अभी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि यहां माइनस है, तो ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 2 हो, दैट्स व्हाट 4 2 * 4 इनका डिफरेंस 2 होगा. तो हम ये जहां 2 लिखा हुआ वहां क्या लिख देंगे, 4 - 2 लिख देंगे. तो आगे हमने कुछ नहीं लिखा, x2 - 2 की जगह 4 - 2 लिख दिया * x - 8 हो गया. अब हमने कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करना है. तो माइनस का 4 और इधर से x से मल्टीप्लाई हो गया 4x - - प्लस 2 और x 2x हो गया और - 8 ब्रैकेट ओपन हो गया. अब इसे मेक द पेयर और टेक द कॉमन. पहले पेयर बनाएंगे और फिर उसके कॉमन लेंगे. तो पहले पेयर बनाने में x2 - 4x में आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है. तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 4x - 4 हो गया. फिर हमने दोनों क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया. 2 कॉमन लेने पर यहां रह गया 2, यहां रह गया सॉरी x और यहां 2 4 जा 8, यानी यहां गया 4. अब आप देख रहे हैं दोनों पेयर्स में x - 4 है. अगर बाई दे भी इसमें इधर कुछ और आ रहा है, इट मींस यू हैव गो टू रॉन्ग. इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, गलत जा रहे हैं. इसलिए उसको दोबारा से चेक करिए, दोबारा चेक करेंगे तो फिर से यानी सही होने के लिए दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आना चाहिए. इसलिए हम अब हमारा इस समय x - 4 दोनों कॉमन है, तो x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा x यहां बचेगा प्लस 2. ये अभी आपका पॉलीनोमियल के फैक्टराइज हो गए. फैक्टराइज होने के बाद इसके जीरोज फाइंड करने होते हैं. तो पर्टिकुलर जो फैक्टर से लेकर व्हेन x - 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एंड व्हेन x + 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा - 2. दीज आर द 4 एंड माइनस टू आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. जो पॉलीनोमियल दिया है उसके जीरोज हैं. अल्फा इक्वल टू 4 हो गया है बिकॉज इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सो इट हैज टू जीरोज. वन ऑफ देम आर वन ऑफ नेम्ड एज अल्फा, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2. एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, x का और x2 का कोएफिशिएंट ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ax2 bx + c होता है, जैसा हमने लिखाया था आपको. तो a x2 का कोएफिशिएंट होता है, तो a x2 का कोएफिशिएंट 1 है और b -2 है और c हमारा -8 है. इसके बाद देखेंगे अब इसमें रिलेशन वेरीफाई करते हैं. जैसे हमने कल लिखाया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है. अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, माइनस ये है और b की वैल्यू भी -2 है अपॉन 1, a की वैल्यू 1 है. अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो ये देखेंगे 4 और -2, 4 में से -2 जाएगा तो कितना रहेगा, 2 बचेगा. माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा. यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं इस रिलेशन के लिए. दूसरा रिलेशन लेते हैं अल्फा * बीटा * c अपॉन ए होता है. तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या है -8 है और a की वैल्यू हमारी क्या है 1. ये वैल्यू हमने करस्पोंडिंग जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कर दिए. आगे 4 2 जा 8 माइनस का 8 हुआ, माइनस 8 में 1 से तो माइनस 8, यानी माइनस 8 माइनस 8 आ रहा है. दैट्स व्हाई LHS इक्वल टू RHS है. LHS इक्वल टू RHS इसका मतलब दोनों ये वेरीफाइड हो सकते हैं. सो वी हैव रिटन हेंस वेरीफाइड. सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन, उसको भी हमें फैक्टराइज करना है. 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. तो इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या था, यहाँ इसका कोई कोफिशियंट नहीं था तो हमने सिर्फ इसको दिया था, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशियंट है तो इसका कोफिशियंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया
अब जो 4 आ रहा है उसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका प्लस करने पर 4 आना चाहिए। तो पहले तो सभी फैक्टर लिखिए, 4 के फैक्टर 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 होते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते हैं। अब इसमें क्या करना है, वो फैक्टर सिलेक्ट करिए जो प्लस करने पर 4 आता हो, तो ये 2 और 2 करने पर 4 आता है, ये ऊपर वाला 4 और 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। तो हम 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 प्लस 2, बाकी कुछ भी नहीं किया, जहाँ 4 था वहाँ 2 प्लस 2 लिख दिया, बाकी पूरी पूरे मेल्स को कॉपी कर दिया गया है। आगे इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है, ओपन ब्रैकेट हो गया। उसके बाद पेयर बना के कॉमन लेंगे, पहले वाले पेयर में 2s कॉमन है तो यहाँ बचा 2s, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन लिया, तो 2s हो, ये प्लस का 1 था वो माइनस का हो गया, माइनस का था वो प्लस का हो गया, बिकॉज हमने माइनस से कॉमन लिया है। अब आप देख रहे हैं दोनों में 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे और बचा हुआ भी 2s माइनस 1 ही है। अब वही प्रोसेस, व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ऐसे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो s इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 है, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। ए आपका क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक टर्म का, बी लीनियर टर्म का माइनस 4 है, और सी कांस्टेंट टर्म 1 है, ये भी सी वैल्यू का रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, और माइनस ई वाला सी की वैल्यू माइनस 4 और बी की वैल्यू माइनस 4 और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 4। आगे से सिंपलीफाई करें, 1/2 1/2 2/2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 का 4 काटेंगे तो 1 से 1 उसे 2 कटेगा, 2 से 2 1/2 आ गया, दैट्स व्हाई एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इधर आ जाइए, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, अल्फा 1/2 1/2 और सी 1 और ए आपका 4, सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आता है और LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड योर पॉलीनोमियल। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच गिवन दैट 6x² - 3 - 7x, आप देख रहे हैं इसमें डिसऑर्डरिंग दिया हुआ है, पहले हमने कांस्टेंट टर्म दे दिया, बाद में वेरिएबल लीनियर टर्म दिया है, तो सीक्वेंस में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, तो 6x² - 7x - 3 हो गए। इसके बाद इसको उसी तरीके से फैक्टर करते हैं, तो 6 और 3 का पहले कांस्टेंट टर्म का और क्वाड्रेटिक टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीपल करते हैं, 6 3 18 हुआ, और 18 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका माइनस करने पर 7 आ, वैसे तो 18 के फैक्टर 1 इंटू 18 होगा, 2 इंटू 9 होगा, 3 इंटू 6 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो कोई फैक्टर नहीं है, तो इसमें हमें वो फैक्टर सिलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस करने पर 7 आता हो, तो 9 और 2 वो फैक्टर है, यानी 9 माइनस 2 करने पर 7 हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 की जगह 9 माइनस 2 लेना, बाकी और सभी टर्म ऐसे कैसे ही लिखे हुए हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के 9x और प्लस का 2x, फिर इसके बाद पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इसमें 6x² - 9x में 3x कॉमन आ जाएगा, 3x 3 2 6 और x में से x गया x बचा, यहां 3x गया 3 2 9 और x चला गया, तो 2x - 3 बचा, यहां पर यहां कोई कॉमन नहीं है जिसमें, तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेने के बाद आपका यहां 2x - 3 जाएगा, दोनों ब्रैकेट में 2x - 3 है, तो कॉमन ले 2x - 3 बचा 3x + 1, ये इसके फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज होने के बाद व्हेन 2x - 3 = 0 तो x = 3 = 2 हो जाएगा, व्हेन 3x + 1 = 0 तो x = - 1 = 3 हो जाएगा। इसके लिए अब अल्फा इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/2 हो गया, बीटा इक्वल टू -1/3 हो गया, ए हमारा क्या हो गया x का कोएफिशिएंट 6 हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई -7 हो गई और सी की वैल्यू -3 हो गई, हम ऊपर वाले नहीं देखेंगे नीचे वाले देखेंगे। इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b / a, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दिए, -b -b की वैल्यू -7 है, और सॉल्व करने के बाद आपको ये 3/2 कैंसिल 6 होगा, 3 3 9 2 बचा 2, 9 -2 इक्वल टू इधर 7/2 हुआ, तो 9 में से 2 गया तो 7/2 बचा और 7/2 इधर भी है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इज सेकंड रिलेशन, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2, ए वैल्यू पुट कर दी फिर सॉल्व कर दिया, 3 से 3 कट गया है -1/2 ये बचा और 3 2 या 6 तो ये -1/2 गया, यानी ये भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा था, अतः इसका मतलब इट इज वेरीफाइड विद देयर कोएफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 4th वन में, ये आपको कोएफिशिएंट वो पॉलीनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u, 4u² + 8u दिया है, इसमें आपका 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन लेने के बाद यहां u + 2 बचता है, तो व्हेन 4u = 0 तो u = 0 आ जाएगा,
एंड u प्लस टू इक्वल जीरो है तो इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो देयरफॉर ये उसी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर देंगे जैसे अभी हमने उसमें वेरीफाई किया है, जैसे इसको वेरीफाई किया था वैसे ही हम इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा और ए इक्वल टू एक्स हो गया, ए इक्वल टू आपका फोर हो जाएगा और बी इक्वल टू आपका एट हो जाएगा और सी इक्वल टू जीरो। उसी तरह रिलेशन लेंगे और अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप टर्म देखिएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो, तो आपका क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख देंगे माइनस 15 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद अब वेन टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15 आएगा और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू माइनस 15 हो गया रूट 15, बीटा इक्वल टू अंडर रूट 15 हो गया, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो सॉरी ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू माइनस 15। इसी तरीके से आगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कौन हो गया, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 15 और बीटा की वैल्यू प्लस 15 ही कट जाएगा। इधर माइनस बी की वैल्यू जीरो अपॉन वन यानी जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी अल्फा हो गया। दूसरा इधर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है तो माइनस 15 इंटू माइनस 15, इधर सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन वन सॉल्व करेंगे ये भी 15 इक्वल टू 15 आ जाएगा, दैट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब दोनों ही है हेंस वेरीफाइड विद द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इसी तरीके से आपका जो सिक्स वाला क्वेश्चन है वो भी आप अपने आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन पार्ट थे उसी तरह से आपको फैक्टर करने और उनको वेरीफाई करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जिन बच्चों ने अब तक चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें और अदर स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर दें, जिन्हें ज़रूरत है उनको भी आप रिकमेंड करें चैनल के लिए। एंड लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट पढ़ो घर से कहो दिल से दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।